इतने कम पैसे में इतना अच्छा ईयरफोन जो आता है रियलमी बट क्लासिक की तरफ से, और ये ईयरफोन भाई जो बेस क्वालिटी है, जो इसमें ड्राइवर्स है, बहुत ही कमाल के हैं। बहुत सारी खूबियां इस ईयरफोन में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियां भी हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। बॉस तो और बताओ यार कैसे हो, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है गौरव और ये है आपका अपना चैनल टेक्निफाइड जोन। दोस्तों वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपको बता देता हूँ कि यार इस ईयरफोन को मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक छोटा सा डिब्बा है, एक ईयरफोन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैंने सोचा यार कि एक फुल वीडियो बना दूंगा आपके लिए और उसमें सब कुछ बता दूंगा फुल टेस्ट करके कि क्या कुछ इसमें अच्छा है, क्या कुछ इसमें बुरा है, इसलिए मैंने इसका अनबॉक्सिंग नहीं किया था। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आपकी तसल्ली के लिए मैं थोड़ा सा अनबॉक्सिंग क्लिप आपको दिखा दूंगा इसकी, और जो कुछ भी इसमें अच्छा है, जो कुछ भी इसमें बुरा है, सब कुछ आपको बताऊंगा, ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं इस ईयरफोन के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा, फटाक से वापस आते हैं। तो यार जिस प्राइस रेंज में ये ईयरफोन आता है अपने आप में कमाल का ईयरफोन है, क्योंकि यार इसमें जो बेस क्वालिटी मिल रही है, जो ड्राइवर्स इसमें मिल रहे हैं, वो आपको 500-600 रुपए के ईयरफोन्स में भी देखने को नहीं मिलते हैं, और ये इसीलिए अपने आप में बड़ा यूनिक है। अभी तक का सबसे बेस्ट ईयरफोन मैं कह सकता हूँ कि ये है, क्योंकि जो ड्राइवर्स मिल रहे हैं वो इस प्राइस रेंज में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको अनबॉक्सिंग क्लिप दिखा देता हूँ कि कैसे इस बॉक्स के अंदर आता है फुल पैकेज में और क्या कुछ इसमें मिलता है। तो फ्रंट साइड से आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, वहीं पर बैक साइड आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। 14.2 mm के लास्ट ड्राइवर दिए हुए हैं, बेस आपको डीपर मिल जाता है, और म्यूजिक वीडियो प्लेबैक कंट्रोल भी आपको देखने को यहाँ मिल जाता है, कॉल एंड कर सकते हो, कॉल अटेंड भी कर सकते हो, माइक्रोफोन भी बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, और बिल्ट इन केबल ऑर्गेनाइजर भी मिल रहा है इसी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और कुछ खास इसमें मेंशन नहीं है यहाँ पे, जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये है जो बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें रखा रहता है, इसको आप बाहर ऐसे निकाल सकते हो, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर बाकी। ये जो आपको यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल्स मिल जाएंगे बैक साइड में, और पूरा डिब्बा खाली हो चुका है। तो यार अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई की। तो यार सबसे पहली बात तो जिस प्राइस पॉइंट में ये ईयरफोन्स आते हैं अपने आप में कमाल के हैं, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। और यार जो बेस क्वालिटी इसमें मिलती है, जो साउंड क्वालिटी है, जो बहुत सूदिंग साउंड है, मतलब यार कि आप पूरे फुल वॉल्यूम पर भी अगर इसे सुनते हो तो आपके कानों में चुभती नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपने देखे होंगे और भी बहुत सारे ईयरफोन्स जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे ड्राइवर्स मिल जाते हैं, 10 mm के, 12 mm के भी ड्राइवर्स होंगे, तो उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप फुल वॉल्यूम पर सुनते हो तो आपके कान में थोड़ी सी चुभन सी होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सुन पाओगे। लेकिन इन ईयरफोन के साथ ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। आप इसे फुल वॉल्यूम पे भी सुनते हो तो आपके कानों में बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भाई चुभ रहे हैं या बहुत ज्यादा शोर सा हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बहुत सॉफ्ट आवाज है इसकी। और बात करूं इस ईयरबड्स की फिटिंग की, तो यार इनकी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा कमाल की। अगर आप इसे पहन लेते हो तो ये आपके कान में कुछ इस तरह से फिट हो जाते हैं, आप देख सकते हो। और भाई ये बिल्कुल भी निकलते नहीं, कितना भी आप इसे हिलाओ ये बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। यहां तक कि आप इसे लगाकर सो भी जाओगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे पहना भी हुआ है। साथ में यहां पे केबल ऑर्गेनाइजर तो आपने देख ही लिया है कि कितना अच्छा है, वैसे आप इसके वायर को जो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो ताकि ये उलझे नहीं, हालांकि टेंगल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और दूसरी चीज़ यार बेस बहुत अच्छा, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा, ट्रेबल भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपके कानों को चुभे। तो मुझे लगता है ओवरऑल 450 रुपये या 400 रुपये में अगर आपको ये मिल जाता है तो इससे बेस्ट ईयरफोन आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन में जो HD माइक्रोफोन कहा जा रहा है इसको, यानी कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी सुनाई देगी सामने वाले को जिससे भी आप कॉल पे बात कर रहे होगे, जो कि मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये वन साइडेड माइक्रोफोन है, ये आपको ध्यान रखना है, देखिए आप माइक्रोफोन यहाँ पे आ रहा है, वन साइडेड होता है तो ये मुंह के पास इधर आ जाता है, तो ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी आपको बाहर अगर बात कर रहे हो, मार्केट प्लेस में हो, कहीं नॉइज़ जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे भी आप अगर आप नॉर्मली बात करते हो तो आपको बार बार इसको ऐसे मुंह के पास लाके बात करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलो यार कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी बुराई, हालांकि इसकी बुराई करनी नहीं चाहिए क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आता है अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अभी इस प्राइस रेंज में आपको ऐसी साउंड क्वालिटी के साथ कोई ईयरफोन देखने को नहीं मिलेगा अभी प्रेजेंट टाइम में, आगे चल के आ सकते हैं और भी, लेकिन फिलहाल के लिए कोई नहीं है। तो लेकिन यार कुछ तो कमी है जो वो आपको बतानी ही पड़ेगी। तो यार सबसे पहले तो आप देख सकते हो इसके जैक जो कि बेंड शेप में नहीं आते हैं, और दूसरी चीज़ गोल्ड प्लेटेड नहीं है, जो कि मुझे लगा कि यार ये होना ज़रूरी था। तीसरी चीज़ टेंगल फ्री, तो यार फिर अगेन अगर फ्लैट वायर होता तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। तो चौथी चीज़ यार जो इसमें माइक्रोफोन मिल रहा है, ये माइक्रोफोन बीच में मिल रहा है, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद आता, क्योंकि जब आप इसे कान में कुछ इस तरह से पहनते हो तो ये ईयरफोन आपके नीचे यहाँ पर आ जाता है,
तो आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ता है या फिर आपको माइक्रोफोन अपने मुंह के पास लाके बात करना पड़ता है। हालांकि मैंने इसको एक हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और तब तक मैंने जब भी मैंने कॉलिंग वगैरह की है तो मैंने इसको नॉर्मली यूज़ किया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वॉइस क्वालिटी है जो सामने वाले को काफ़ी अच्छी सुनाई दे रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बात अच्छे से हो पा रही थी। हालांकि अगर मैं मार्केट प्लेस में भी था, वहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे बार बार इसको ऊपर उठाना पड़े, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये चीज़ मुझे सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि यार नॉर्मली जितने भी ईयरफोन्स होते हैं जिनमें भी ये नीचे होता है वहाँ पे आपको थोड़ी सी लाउड आपको आवाज़ में बोलना पड़ता है अगर आप बात कर रहे हो किसी से, या फिर आपको माइक्रोफोन को पास लाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो बेशक खरीद सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर भी ये मिलते हैं 400-450 में आपको मिल जाएंगे, तो आप इसे खरीद सकते हो। तो यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वैसे करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कहना, तो आप कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।